बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जारी कर दी है। आपको बता दें कि कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब वर्ग समाज के विरुद्ध बताया था। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे निराशाजनक बताया है। आपको बता दें कि कल निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया था और उसी पर आज अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर बेरोजगारी, आर्थिक समस्याएं लगातार बढ़ रही है, इनके खिलाफ कोई भी सुदृढ़ प्रयास इस बजट में दिखाई नहीं देता। अखिलेश यादव ने कहा है कि पूरे देश में जहां पर एक तरफ अराजकता का माहौल है, वहीं प्रदेश के अंदर भी मारपीट, लूटपाट ये सब मची हुई है, लेकिन इसके खिलाफ इस बजट में कुछ भी कोई खास नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग की ये कमर तोड़ने वाला है, मध्यम वर्ग पर भी इसकी काफी ज्यादा मार पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल इत्यादि की मांग बढ़ने की वजह से गरीब और किसानों के ऊपर इसकी मार पड़ेगी।